गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होती है, सम्मिश्र संयुग्मी संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है यानी मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मीन्स सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है और सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, इस बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले कि सम्मिश्र संयुग्मी संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। तो इसके लिए यदि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये एक सम्मिश्र संख्या हो तब एक्स माइनस आयोटा वाई इस सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर कहलाता है। अब तथा इसे जेड बार से व्यक्त करते हैं, जेड का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसको जेड बार से व्यक्त करेंगे। अब यदि जेड इक्वल टू जेड बार हो, जेड इक्वल टू जेड बार का मतलब है कि उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बराबर हो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जेड एक वास्तविक संख्या है। जेड प्योरली रियल नंबर होगा और यदि जेड बार इक्वल्स टू माइनस जेड हो तो इसका मतलब है कि जेड काल्पनिक है, जेड विशुद्ध काल्पनिक है। तो ये सम्मिश्र संयुग्मी संख्या होगी। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज लेते हैं कि सम्मिश्र संयुग्मी संख्याओं की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो इसके लिए यदि हम ये कहें कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तथा जेड बार इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई इसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तब हम देखेंगे कि जेड बार इक्वल्स टू जेड बार का बार इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये वापस एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। इस मीन्स जेड इक्वल्स टू जेड बार का बार। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार मीन्स टू एक्स, टू एक्स का मतलब हो गया टू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार टू आयोटा वाई, जेड माइनस जेड बार करेंगे तो टू आयोटा वाई मीन्स टू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि वाई इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होगा। इसी तरीके से यदि जेड वन प्लस जेड टू इन दोनों की एक साथ संयुग्मी लें तो ये आएगा जेड वन बार प्लस जेड टू बार। सिमिलरली अगर जेड वन माइनस जेड टू बार करें, जेड वन माइनस जेड टू का बार करें तो जेड वन बार माइनस जेड टू बार हो जाता है। इसी तरीके से जेड वन इंटू जेड टू का बार ये जेड वन बार इंटू जेड टू बार और जेड वन अपॉन जेड टू अगर इसकी संयोग मिले, जेड वन अपॉन जेड टू की संयोग मिले तो ये होगी जेड वन बार अपॉन जेड बार, जबकि जेड टू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कुछ एक सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी सम्मिश्र संख्या की प्रॉपर्टीज हैं। अगला टॉपिक इसमें कि सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक या मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए है कि यदि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये एक सम्मिश्र संख्या हो तब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सम्मिश्र संख्या जेड का मापांक कहलाता है।
या रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि एक्स और वाई, एक्स जेड का रियल पार्ट है और वाई जेड का इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका स्क्वायर इसका रूट, ये जेड का मापांक होगा। तो जेड के मापांक को मोड जेड से व्यक्त करते हैं। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज दें तो अपन ये देखें कि सिंस मोड जेड इक्वल्स टू है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों ही हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होंगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि मोड जेड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली मोड जेड मीन्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स होगी, इट मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, यानी मोड जेड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। इसी तरीके से मोड जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको अपन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वाई भी कह सकते हैं और वाई का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मीन्स मोड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगी। अब यदि अपन जेड जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई तब इसका मोड जेड होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से अगर जेड बार लें तो एक्स माइनस आयोटा वाई इसका मोड जेड बार क्या हो जाएगा, ये भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस जेड का मतलब हो गया माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई तब मोड माइनस जेड ये भी क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मोड आयोटा जेड मीन्स आयोटा जेड क्या हो गया, आयोटा जेड का मतलब हुआ आयोटा एक्स माइनस वाई, इसलिए मोड आयोटा जेड भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि जेड का मोड जेड बार का मोड माइनस जेड का मोड और जेड आयोटा का मोड इन सभी के मापांक बराबर होंगे। इसी तरीके से जेड वन इंटू जेड टू इसका मोड ये मोड जेड वन इंटू मोड जेड टू के बराबर होगा, मोड जेड वन अपॉन जेड टू ये मोड जेड वन अपॉन मोड जेड टू, जबकि यहाँ भी कंडीशन ये है कि जेड टू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो, यानी जेड टू शून्य कम नंबर सम्मिश्र संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जेड के मापांक की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा इसी में मोड जेड के मापांक या जेड का जो मापांक है उसकी प्रॉपर्टीज में अगली ये होती हैं कुछ एक कि मोड जेड वन प्लस जेड टू ये वैल्यू लेस देन आर इक्वल्स टू मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू, मोड जेड वन प्लस जेड टू ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू मोड जेड वन माइनस मोड जेड टू, मोड जेड वन माइनस जेड टू ये लेस देन आर इक्वल्स टू मोड जेड वन प्लस मोड जेड टू और मोड जेड वन माइनस जेड टू ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू मोड जेड वन माइनस मोड जेड टू। ये चारों भी मोड के लिए प्रॉपर्टीज है और इन चारों को कहते हैं त्रिभुज असमीकाएं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। तो ये आपके सम्मिश्र संख्या का मापांक है।
अब है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। तो सम्मिश्र संख्या के कोणांक के लिए कि यदि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई ये सम्मिश्र संख्या हो तब जेड के कोणांक का क्या मतलब है, किस जेड के द्वारा निरूपित जो दिष्ट रेखा खंड होगा वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है वो जेड का कोणांक होगा। इसको अपन आर्ग्यूमेंट जेड या एम्पलीट्यूड जेड से व्यक्त करते हैं। अर्थात यदि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक सम्मिश्र संख्या है तो जेड का कोणांक थीटा इक्वल्स टू होगा थीटा, या इसको आर्ग्यूमेंट जेड या इसी को आर्ग्यूमेंट जेड या एम्पलीट्यूड जेड ये होगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स के। अब किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक अद्वितीय नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यदि किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक थीटा हो तो 2n पाई प्लस थीटा भी उसका कोणांक होता है। इसके लिए जो सम्मिश्र संख्या का कोणांक होगा वो x और y इन दोनों के चिन्हों पर निर्भर करेगा। इसके लिए अपन ये देखते हैं, जैसे अपने पास चार केस हों कि यदि x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, इसी तरीके से यदि x लेस देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, x और y दोनों ही लेस देन जीरो या x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन जीरो, तो इन चारों स्थितियों में सम्मिश्र संख्या का कोणांक क्या होगा। तो इसके लिए जब x और y दोनों ही पॉजिटिव हो तो इसका मतलब उसका जो कोणांक होगा सम्मिश्र संख्या का कोणांक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसके लिए इस केस में थीटा इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इसका मोड। इसी तरीके से जब एक्स नेगेटिव हो जाए और वाई पॉजिटिव हो तो उस केस में इस सम्मिश्र संख्या का कोणांक ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और इसकी वैल्यू होगी थीटा या आर्ग्यूमेंट जेड इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। तीसरा केस है जब एक्स और वाई लेस देन जीरो, तो इस केस में आर्ग्यूमेंट जेड या थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। और जब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो तो इस केस में थीटा या आर्ग्यूमेंट जेड ये वैल्यू होगी माइनस टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक अद्वितीय नहीं होता है और साथ में उस सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक है वो एक्स और वाई के चिन्हों पर निर्भर करेगा और इस तरीके से उसकी वैल्यूज होंगी। इसके लिए अपन ये देखते हैं, जैसे कि यदि एग्जाम्पल के रूप में लें अपन कोई, यदि जेड इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा रूट थ्री है तब आर्ग्यूमेंट जेड या थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री अपॉन वन। मीन्स टेन इनवर्स रूट थ्री, रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है टेन सिक्सटी की, यानी पाई बाई थ्री। जब इसी तरीके से जब जेड इक्वल्स टू माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री हो तो यहाँ चूंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो इस केस में थीटा इक्वल्स टू होगा पाई माइनस टेन इनवर्स मोड रूट थ्री अपॉन माइनस वन, यानी पाई माइनस टेन इनवर्स
रूट थ्री यानी पाई माइनस पाई बाई थ्री मीन्स टू पाई बाई थ्री। इसी तरीके से जब थीटा इक्वस टू सब सॉरी जब जेड इक्वस टू माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री, तो इस केस में थीटा इक्वस टू या आर्ग्यूमेंट जेड इक्वस टू यह हो जाएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन यानी माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री, तो ये हो गया माइनस के टू पाई बाई थ्री। और चौथा केस है कि जब जेड इक्वस टू वन माइनस आयोटा रूट थ्री तब थीटा इक्वस टू टेन इन मोड ऑफ माइनस रूट थ्री अपॉन वन यानी ये माइनस के पाई बाई थ्री। तो जब एक्स और वाई के चिन्ह अलग अलग होंगे तो उस केस में जो जेड के मापांक जेड के जो कोणांक है वो उनका रूप भी इस प्रकार से हो जाएगा।